Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. दुआ करता हूँ सब खैरियत होगा। तो guys ये वाली जो वीडियो है ये मेरी पुरानी वीडियो की continuation है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी, और अगर नहीं देखी है तो लिंक यहाँ पे है। उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैनेडा में आके आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फीस तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ जो बहुत सारी सेविंग्स होती है ना, कि मैंने पर्सनली 25,000 प्लस सेविंग करी अपनी, उसमें फीस भी निकाली, उससे ज़्यादा सेविंग्स भी थी। तो वो पूरी वीडियो मैंने इन डेप्थ बताई है कि आप लोग भी उस वीडियो से कैसे लर्न कर सकते हैं। तो लिंक यहाँ पे है, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। और अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का सस्पेंस पार्ट था कि कनाडा के अंदर मेरे को 7,000 प्लस कैसे, किन कंपनीज ने दिए, क्यों दिए और फ्री में क्यों दिए, ठीक है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको टैक्स के बारे में भी बताऊंगा कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जब भी अपना टैक्स फाइल करने जाते हो तो यार आपके स्टडीज के जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे आपको हेल्प करते हैं। तो यार विदाउट एनी ड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, ताकि आपको भी एक नॉलेज मिलेगी कि आप भी इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको भी कनाडा में फ्री 6,000-7,000 प्लस डॉलर्स मिल सकें। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। हाँ जी दोस्तों, तो यार वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। बहुतों को पता होगी, बहुतों को नहीं भी पता होती है, जैसे मेरे को नहीं पता था यहाँ आने से पहले। तो वो टर्म है ट्यूशन रीइंबर्समेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यार आप किसी भी एम्प्लॉय के पास जब काम कर रहे हो, तो मान लो किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो यार और साथ ही साथ आप स्टडीज भी कर रहे हो, तो हर कंपनी का डिफरेंट होता है। कहीं पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों में देती हैं, कहीं सिर्फ फुल टाइम में देती हैं। तो ये चीज़ होती है, जो ट्यूशन रीइंबर्समेंट होती है वो होता है कि आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो उसका कुछ हिस्सा आपको वापस करेंगे, कि आप उन्हें प्रूफ दिखाओगे कि मैं इस कॉलेज में हूँ, इस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ये पढ़ाई मेरे काम से कैसे रिलेट करती है, करती है नहीं भी करती, आपको पैसे मिल जाते हैं। तो वो जो ट्यूशन रीइंबर्समेंट होता है ना, ये होता है कि कंपनीज आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करेंगी जो कि आपकी फीस में आप डाल सकते हैं एज अ ट्यूशन रीइंबर्स, आपको वापस मिल रहे हैं अपनी ट्यूशन के पैसे। तो ये होता है ट्यूशन रीइंबर्समेंट, एक जो टर्म होती है ये मैंने आपको बता दी, और सारा खेलना इसी टर्म के अराउंड जुड़ा हुआ है। तो यार मेरा जो पर्सनली केस हुआ था वो क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे आ गया, लाइक मार्च में आ गया था 2021 में, मैंने ड्रॉप लेना था, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया, लिंक है देख लो, ठीक है। तो मैंने ड्रॉप लेना था अपने सेकंड सेमेस्टर में, तो मैंने फुल टाइम जॉब्स सर्च करनी शुरू कर दी, और लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को होम डिपो में एक फुल टाइम एज अ ओवरनाइट ट्रेड एसोसिएट जॉब मिल गई, और फिर मैं वहाँ पर लग गया। उससे पहले मेरे को भी कुछ नहीं पता होता था कि यार ये लोग पैसे देते हैं या फिर ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पे। आई वॉज जस्ट लकी यू कैन से कि मैं वहाँ लगा रहा, फिर मैं वहाँ गया, मैंने अपने बेनिफिट्स पढ़े, तो वहाँ पे मेरे को अच्छे से पता चला कि यार एक ट्यूशन रीइंबर्समेंट होता है। तो पहले जो उनका प्लान होता था कि अगर आप वहाँ पे फुल टाइम हो तो आपको यार $6,000 वो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट पहली बारी में $6,000 तक की आपको देंगे। मान लो आपने अपनी फीस भरी है $12,000, तो उसका 50% वो देते हैं, तो 6,000 हो गया। फिर आपने 12,000 से जितनी भी ऊपर भरी है 15,000 20,000 30,000 वो आपको 6,000 ही देंगे एक साल में एक बार। और वहीं पर अगर आप होम डिपो में पार्ट टाइम एसोसिएट हो तो यार वो आपको $3,000 पर ईयर देंगे। और उसमें भी ऐसे होता है कि मान लो आपने स्टडीज़ में एक ही कोर्स करा जिसकी फीस अराउंड लाइक 2200 होती है, जितनी भी होती है, उसका 50% दे देंगे। लेकिन अगर 6,000 से ऊपर रीच हो गई आपकी ट्यूशन फीस तो वो आपको $3,000 देंगे ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, उससे कम नहीं देंगे। तो मेरे साथ ये सीन हुआ था कि लाइक मैं पहले 6 महीने जो उनकी पॉलिसी होती थी कि यू विल हैव टू वर्क 6 मंथ्स और उस 6 मंथ्स के बाद आपका सेमेस्टर शुरू होना चाहिए, लाइक दे वर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एट दैट टाइम, ठीक है। तो मेरे को पहले साल तो कोई पैसा नहीं मिला, फिर मैंने अगले साल 2022 में जनवरी में अपने कोर्सेज करे हुए थे, तो मैंने उनका प्रूफ लगाया कि मैंने ये कोर्स करे हुए हैं, मेरे को इसका ट्यूशन रीइंबर्स चाहिए। तो मेरे को जनवरी 2022 में लाइक मेरा सब कुछ प्रोसेस होना शुरू हो गया, HR को फाइल दे दी, तो मेरे को अराउंड मई के मिड में जाके अपनी पे चेक में मेरे को वो $3,000 मिल गए, ठीक है। और इसी के साथ तो यार ये जो ट्यूशन रीइंबर्समेंट होता है ना, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय पे कि वो टैक्स फ्री देता है या फिर टैक्स इंक्लूड होता है उस पर। कि लाइक मान लो जो मेरे 3,000 होम डिपो से आए थे वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री थे, उन पर मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा, ठीक है। स्कॉलरशिप ब्रूसरीज में आ गए वो, और यहीं पर फिर मेरी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है यार मई में। तो वहाँ पे भी मेरे को कुछ नहीं पता होता, लाइक जो कोप की फ़ीस होती है ना वो लाइक $800-900 होती है, मैंने वो भी पे करी हुई होती थी, ठीक है। तो मैं तो गया इंटर्नशिप पे गया, मेरे को उन्होंने कहीं नहीं बताया था कि वो भी ट्यूशन रीइंबर्समेंट्स देते हैं, ठीक है। तो इट वाज़ अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। वहाँ पे गया आराम से बैठा हुआ था, तो मेरे को पता चला कि वहाँ भी ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, तो मैंने वहाँ भी अप्लाई करा। तो उन्होंने मेरे को लाइक वहाँ अप टू $1,000 वापस आ जाता है, उनका प्लान होता है कि अगर आपकी कोप की फ़ीस $1,000 तक है
तो आपको वो सारे पैसे वापस कर देता है, और मेरी लकीली 800 समथिंग थी, तो मैंने वो अप्लाई करा तो मेरे को वो वापस आ गई। बट यहाँ पे केम थी कि ये जब $800 आए थे, ये मेरी सैलरी में जुड़ कर आए, पेचेक में जुड़ कर आए, और उन पर टैक्स लगा। तो लाइक वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा घाटा तो हो ही गया एक तरह से, क्योंकि टैक्स देना पड़ा। बट लाइक यार मेरी कोप एक तरह से फ्री में ही हो गई, जितनी भी फीस मैंने भरी वो मेरे को एम्प्लॉयर ने वापस सारी की सारी कर दी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था कि मेरे को फर्स्ट टर्म में कोप के $800 समथिंग वापस आए, सेकंड टर्म में भी $800 वापस आए, तो ये टोटल अराउंड $1700 मेरे यहाँ पे हो गए। $3000 अभी मेरे को मई में मिल चुके थे होम डिपो से। तो 2022 में मैंने $4700 ऐसे ही फ्री में मेरे पास आ चुके थे, ठीक है। अब गेम शुरू होती है अगले साल जनवरी 2023 में, मैंने फिर से कोर्सेज में एनरोल करा, एक नया साल, एक नया लाइक होम डिपो में मेरा साल शुरू हो चुका है, ठीक है। तो मैंने दोबारा अपनी फाइल लगा दी कि यार ये मेरे कोर्सेज हैं, ये मैंने करा है, ये कैसे रिलेट करेगा काम पे। तो मैंने कहा लाओ दो मेरे को $3000 और, तो फिर ये प्रोसेस दोबारा से दोबारा शुरू हुआ, और करते करते तो होम डिपो से मेरे को फिर से $3000 इस साल के भी आ गए, ठीक है। तो इन टोटल कितना हो गया है, 47 + 3 $7700, 7000 से ज़्यादा ही हो गया है यारो। तो ये प्रोसेस होता है कि ट्यूशन रीइंबर्समेंट जो होती है ना, वो बहुत कंपनीज यहाँ पे देती हैं, और बहुतों को पता भी नहीं होता, बहुतों को बहुत गिनी चुनी पता होती हैं कंपनीज, जैसे कि चिपोले यहाँ पे बंदों को पता है कि यार वो $5000 एज ए ट्यूशन रीइंबर्समेंट देते हैं, ठीक है। अब जो अमेज़न होता है, आपको लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, वो पैसे देगी देगी ट्यूशन रीइंबर्समेंट, तो यार हाँ देती है, बट उसके पीछे ना बहुत ही एक लाइक बॉर्डर TNC टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती हैं, मेरा दोस्त अमेज़न में काम करता है, तो वो स्पेसिफिक कॉलेज में, अगर आप हो स्पेसिफिक एरिया के कॉलेज में हो, वो तभी आपकी ट्यूशन फीस भरेंगे। सेम केस इन वॉलमार्ट, कैनेडा का नहीं होता, अमेरिकन वॉलमार्ट जो लाइक नॉर्थ अमेरिकन उस साइड पे हैं, तो वहाँ पे होता है कि वो आपकी फ़ीस भर देते हैं, बट टू अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं टारगेट, लोज, तो इन जगह पे ट्यूशन रीइंबर्समेंट का जो क्रेज़ होता है ना, वो होता है, वो प्लान्स होते हैं ताकि वो मोर स्टूडेंट्स लाइक अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और वो लगे रहें लंबे समय तक लगे रहें। क्योंकि यार ये कंडीशंस भी रखते हैं कि मान लो आपने यहाँ पे जॉब ले ली होम डिपो में, जैसे मेरा केस है कि मैंने एक बार अगर ट्यूशन रीइंबर्समेंट ले लिया, तो मेरे को एक साल तक वहाँ पे काम करना पड़ेगा, आई कैन नॉट लीव माई वर्क विद इन अ ईयर ऑफ ट्यूशन रीइंबर्समेंट। तो एक गाइडलाइन लाइक पहले से उन्होंने करी हुई होती है कि अगर आपने काम छोड़ा तो आपको पैसे वापस भी करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि $7700 मेरे को फ्री में आ गए, जिसमें से अराउंड $1700 पे मेरे को टैक्स देना पड़ा, बट $6000 टैक्स फ्री, लाइक दैट्स प्योर सेविंग्स गाइस, लाइक कोई उस पर टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है आगे की, इस इनकम को एक्स्ट्रा कैसे हुआ, लाइक जब हमने, अब मैंने इतनी इनकम करी, मैंने ड्रॉप भी लिया, मैंने कोप भी करा, तो मेरी इनकम, बट ऑब्वियस है कि मेरी जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, रेगुलर पर्सन होते हैं, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं लाइक दो जॉब्स भी कर रहा था बीच बीच में, ड्रॉप में, फिर कोप, फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब, तो मेरी जो इनकम थी वो, उसका जो ब्रैकेट था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो आई वॉज एलिजिबल फॉर मोर टैक्स, लाइक ठीक है। तो इसी के साथ जो मेरा लाइक स्टूडेंट हूँ, तो स्टडी जो है ना, वो हमारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सपेंस होता है, द बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ यू इज स्टडी, राइट। आपका रहना, खाना पीना, गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं इतना लेगा जितना आपकी स्टडीज ले जाती है। तो एज अ स्टूडेंट आपको कुछ स्टडी क्रेडिट्स मिलते हैं, जो भी आप अपना टैक्स फाइल कराने जाते हैं ना, आपके अकाउंटेंट को पता होता है, तो वो सारी कैलकुलेशंस करता है। तो पहली बार भी मेरे को एक गुड अमाउंट ऑफ टैक्स आया, लाइक 1500+ टैक्स आया, ठीक है। दूसरी बार भी मेरे को बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ टैक्स आया, बहुत अच्छे से आप हिसाब लगा लो, ठीक है। तो ये सीन करते करते जो मेरा टोटल इन टोटल चीज़ें हो गई सेविंग्स एंड ऑल, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब आप 12,000 तक जा सकते हो, सारा कुछ कर कर आके दो साल में जो फ्री मनी है वो, मैंने वो नहीं कहा कि इनकम से जो आपने जोड़ा है, वो नहीं कह रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा फ्री मनी है जो कि आपको लाइक कैनेडा में कोई आपका हक नहीं मार सकता, जो आपके ऊपर है कि अगर आपकी एक किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है जो ट्यूशन रीइंबर्समेंट देती है, तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी आएगी, ठीक है। ट्यूशन रीइंबर्समेंट, जब भी आप जॉब ढूंढने जाओगे ना, इंडीड पे, ग्लास डोर पे, हर जगह ये देखना कि यार आप लोग ट्यूशन रीइंबर्समेंट्स देते हो, तो आपको वहाँ पे पता चलता रहेगा कि हाँ देते हैं, ठीक है। नहीं भी देते हैं तो कोई ना, आगे जाके ऑप्शंस हो सकती हैं। तो ये मेरा सीक्रेट था कि मेरे को कनाडा में $7000+ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिले, और ये $7000+ इनकम जो थी मेरी 12,000 तक कैसे गई, जो टैक्स का खेल होता है, टैक्स का बहुत बढ़िया सिस्टम होता है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि टैक्स की वजह से मेरा जो ओवरऑल सेविंग्स एंड ऑल ग्रोथ हुई, वो उस लेवल तक पहुंच चुकी थी। तो मैं भी आप सबको यही राय दूंगा कि यार जब भी आप लाइक जॉब ढूंढने जाओगे, अब तो ट्राई करना कि आपका दोस्त अगर कोई ऑलरेडी है तो रेफरेंस डलवा लो अपनी, वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से मिल सकती हैं।
और यार फ्री इनकम है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, टैक्स नहीं देना कहीं इनकम पे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। कोप भी करो यहाँ पे आके, अपना प्रोफेशनल रेज्यूमे भी अच्छा बनाओ, ठीक है, और फ्री ऑफ इनकम भी गेन करा। तो यार यही मेरा सीक्रेट था कि कनाडा में आके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मनी कैसे अर्न करी। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को DM करा था, ठीक है, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम फॉलो करो, ID दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ भी मैं रील्स डालता रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालता रहता हूँ वहाँ भी। कोई भी क्वेरी होती है आपकी किसी से भी रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, तो यार मेरे को पर्सनली DM भी करो, मैं सबका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने वीडियो में आपको सारा बता दिया कि मैंने कैसे जोड़े, आप लोग कैसे जोड़ सकते हो। तो यार आई होप कि आप लोगों की भी अच्छी सी जॉब लग जाए कनाडा में आके, जो आपको ट्यूशन रिइम्बर्समेंट दे, फ्री ऑफ मनी दे, ठीक है। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, टेक केयर। इट्स Eddie साइनिंग ऑफ।